गुड इवनिंग स्टूडेंट, अभी ग्रेविटेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन में बहुत चीज कंप्लीट हो गया, केपलर लॉ बचा हुआ है। केपलर लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। सो आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशन। प्लेलिस्ट में आप ग्रेविटेशन टॉपिक सर्च करेंगे और उसमें ये है 13 नंबर वीडियो। इससे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सैटेलाइट, स्केप स्पीड, टाइम पीरियड, बहुत सारा चीजें हो गया है, इंक्लूडिंग सारा क्वेश्चन एम्स का, आईटी का, पीएमटी का, नीट, सारा चीज हो चुका है। अभी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं और छोटा सा टॉपिक है। सो केपलर लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, 11th के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। केपलर का तीन लॉ है और उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम के लिए हम लोग केपलर लॉ पढ़ रहे हैं। सो ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सारे प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं विद द सन एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। तो ड्रॉइंग बनाना है, स्टेटमेंट लिखना है कि प्लैनेटरी सिस्टम जो सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और मैथ में एलिप्स हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे एलिप्स बनाना है, इसके एक फोकस पे सन को ऐसे रखना है और प्लैनेट आपको बनाना है। उसमें मोस्ट कॉमन अर्थ भी ले सकते हैं, अर्थ भी तो सैटेलाइट है सन का। सो यहाँ आप अर्थ ऐसे लिख लेंगे और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ऐसे अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे बना लेंगे। तो ये था आपका, और ऐसे बना लीजिएगा, ये इलिप्स का फोकस है। सो ये अर्थ का मोशन। तो ये तो फर्स्ट लॉ ये था कि ऑल प्लैनेट सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं मूव अराउंड द सन, ये सन है, सन के अराउंड मूव करते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्स है, विथ द सन एट वन फोकस ऑफ इलिप्स, इलिप्स के एक फोकस पे बैठेंगे। ये है आपका मेजर एक्सेस बोलेंगे, ये मैथ में ये मेजर एक्सेस होता है और ये होता है माइनर एक्सेस। इसको आप आधा करेंगे तो सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस, ये हो गया। सो नोट करिए नेक्स्ट इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है कैपिटल फर्स्ट लॉ से। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिला हुआ, आसान आसान है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो नीट का है और आईडी एडवांस का भी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये इलिप्टिकल पाथ आपने बना लिया और ये आपने यहाँ पे सन रखा हुआ है आपने, और ये आप यहाँ पे अर्थ बनाएंगे। देखिए सो ये डिस्टेंस जो है वो है आर, ये डिस्टेंस जो है वेक्टर आर, और अर्थ और सन के बीच में फोर्स या एक्सेलरेशन जो करेंगे वो डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा। फोर्स भी कर सकते हैं, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, या फोर्स रहेगा तो एक्सेलरेशन भी रहेगा। सो आपका ये पूछा हुआ था कैपलर फर्स्ट लॉ से कि ये जो इलिप्टिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि मूविंग तो फ्रेम अर्थ है, सन तो बैठे हुए हैं सोलर सिस्टम में, सो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन, क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा और फोर्स इधर लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये हर पेपर में आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आईडी एडवांस का भी क्वेश्चन है। सो यहां पे आप नोट करेंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन, सन के सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन जो है,
क्योंकि मोशन इसका अर्थ मूव कर रहा है। नोट करेंगे यहां पे, ज्यादा थ्री टाइप क्वेश्चन खूब सारा पूछा हुआ है, तो जो जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन, सो ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सन, और आर अगर पोजिशन वैक्टर चाहिए अवे फ्रॉम, ऐसे कर लेंगे आप। और ये प्लैनेटरी मोशन के लिए नहीं, किसी के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन जो है वो फोकस पे बैठे हुए, आप इसमें हटा सकते हैं, अर्थ को यहां कर लें और मून को भी कर सकते हैं, या अर्थ को यहां रखेंगे सैटेलाइट को रिवॉल्व करा लेंगे, तो किसी के लिए भी लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फिर से करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इलिप्टिकल पाथ बना लें आप, इसके फोकस पे अर्थ को रख लें, एन एक्स सैटेलाइट बना लें आप, ये सैटेलाइट ऐसे कर लें, सेम क्वेश्चन सेम चीज तो है, वही रिजल्ट तो लग जाएगा, कैपलर लॉ यहां भी लग जाएगा, सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, पाथ है इलिप्टिकल पाथ, सेम रिजल्ट सब कुछ सेम। ये है आप पोजिशन वेक्टर करेंगे, फोर्स कर लेंगे यहां पे, एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, सेम रिजल्ट सेम क्वेश्चन। सो वो सोलर सिस्टम में भी लगेगा, और अगर अर्थ के अराउंड कोई मून या कोई सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, नोट करी। सो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कैपिटल फोर्स लॉ से जो क्वेश्चन आएगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सो यहां पे आप थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, आप सोलर सिस्टम के लिए वर्क करें, क्योंकि कैपलर लॉ जो प्लैनेटरी मोशन के लिए ही था, तो सन सन के लिए फिर से आप वर्क करेंगे, ऐसे आप इलिप्टिकल पाथ बना लें, ये सन यहां पे लिख लेंगे, फोकस ऑफ इलिप्स, इलिप्स का ये फोकस हो गया, और यहां से अर्थ आप बना लेंगे, आप कोई भी प्लैनेट बना सकते हैं, अर्थ या एनी प्लैनेट कोई भी आप बना सकते हैं। देखिए आप, ये है पोजीशन वेक्टर अर्थ का, मोशन ऐसा हो रहा है, ये इसमें फोर्स, ऐसे फोर्स हो गए, और फोर्स के चलते एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा। सो टॉर्क, आप टॉर्क निकाल के देखिए, तो टॉर्क
सब आप एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में भी पढ़े हुए हैं, वो सारा रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। आप जानते हैं कि अगर वेक्टर ये आर, वेक्टर आर इधर गया और फोर्स वेक्टर इधर है और दोनों में एंगल आप देखेंगे तो एंगल जो है ये 180 डिग्री। सो अगर आप टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क आप जानते हैं कि आर और क्रॉस एफ होता है। सो अगर टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आर एफ और एंगल दोनों में एंगल है साइन पाई, और साइन पाई तो जीरो हो गया, टॉर्क तो हो गया जीरो। टॉर्क का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं डी एल बाई डी टी, टॉर्क डी एल बाई डी टी। और अगर एंगुलर मोमेंटम ये डी एल बाई डी टी जीरो है सो श्योर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट का मतलब एम वी आर मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो ये था आपका कैपलर फर्स्ट लॉ का ये एक रिजल्ट। सो आपका स्टेटमेंट लिख लिया था और उसका एप्लीकेशन करना है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, आपको कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो ये हर पेपर में पूछा भी गया कि ऐसे सिस्टम में अगर प्लैनेटरी मोशन हो या मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ हो तो क्या कंजर्व रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है इसमें। सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स के चलते एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सब पढ़े हुए हैं, रिजल्ट को बस हम लोग एक जगह फिर से कलेक्ट करना है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम हो, सोलर सिस्टम है यहाँ पे, सन हो और एनी प्लैनेट, कोई हमेशा बात अर्थ की नहीं कर रहे हैं, एनी प्लैनेट हो सो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्लैनेट पे जो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, रेडियस वेक्टर इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा जाता है तो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आप कर लेंगे, ये हो गया। आर क्रॉस एफ निकालेंगे, टॉर्क जीरो हो गया, और टॉर्क जीरो है, जैसे ही आप टॉर्क देख रहे हैं जीरो हुआ तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। प्लैनेट का मास एम है, प्लैनेट का स्पीड मान ली यहाँ पे स्पीड वी है, सो एम वी आर ये कॉन्स्टेंट रखना है। सो टॉर्क जीरो होते हैं एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर जाएगा, कांस्टेंट होगा, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है एम वी आर। कई मीनिंग होता है एंगुलर मोमेंटम का, रोटेशन में आई ओमेगा भी कर सकते हैं, बट सिंपल एक आप टर्म में यूज करेंगे, मास है, स्पीड है, आर है, तो एम इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं जो जो क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप नोट करेंगे, यहाँ पे पहले भी पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम में भी पढ़ चुके हैं ये। सो कैपलर फर्स्ट लॉ से ये सब रिजल्ट मिलता है कि आपका जो भी प्लैनेट है रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथ, उससे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, आर्क वेक्टर का डायरेक्शन, टॉर्क क्या हुआ जीरो, फोर्स कैसा नेचर है तो सेंट्रल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर, सेंटर ऑफ द सन उसकी तरफ आपका डायरेक्शन है। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब एम वी आर, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट लेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी आर कांस्टेंट। एम हटा देंगे यहां से और वी इंटू आर कांस्टेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1/r ऐसे लिख सकते हैं। तो स्पीड जो है वो 1/r, मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ, आप नोट करिए।
देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट इतना आसान सा फाइव। सो ये है फर्स्ट लॉ जो है इलिप्टिकल पाथ के लिए है, उसी के लिए फेमस है आपका। मान लीजिए प्लैनेट है और ये सन, ऐसा हो गया, ये हो गया आपका पूरा मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक ले रहे हैं आपका मेजर एक्सिस हो गया, और यहां से यहां लेंगे ये है माइनर एक्सिस, हो गया। मान लीजिए एक प्लैनेट है और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, या एनी कोई भी अर्थ है या एनी प्लैनेट है, रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करते मान लीजिए ए पॉइंट है और ये है पॉइंट बी पॉइंट, तो इसका मीनिंग आपको समझना, वही प्लैनेट है, वही प्लैनेट है और सेम है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते हुए ऐसे जा रहा है और सेम प्लैनेट है, बस पॉइंट है ये पॉइंट बी है, सेम प्लैनेट हो। सो वो कॉन्सेप्ट देखिए वहां पे वी प्रोपोर्शनल टू आर, सो वी प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर। अब उसको रिलेट करना सीखिए। देखिए अगर प्लैनेट का स्पीड अगर आप यहां पढ़ेंगे R1 स्पीड, ऐसे पढ़ेंगे R1 स्पीड, सॉरी R1 डिस्टेंस है। सो अगर R मिनिमम रहेगा, देखिए अगर R लिस्ट रहेगा मिनिमम डिस्टेंस, अगर इस प्लैनेट का सन से डिस्टेंस मिनिमम रहेगा, R मिनिमम रहेगा, तो स्पीड होगा मैक्सिमम। तो स्पीड को आपको ऐसे बना लेना है, फिगर में ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, V1 कर लेंगे और फिर से यहां देखेंगे R2 जो है, अगर ये डिस्टेंस मैक्सिमम करेंगे, ये सेम प्लैनेट है, सेम प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए यहाँ आ गया, अगर यहाँ से डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो स्पीड क्या हो गया, मिनिमम। तो इस पॉइंट पे प्लैनेट का स्पीड थोड़ा छोटा कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे, वेट ओके, यही तो पढ़ना, सिंपल सा नोट कर लेंगे। और आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो कई बार क्वेश्चन भी बनाने में जरूरत पड़ेगा, आप लिख सकते हैं V1 R1 मस्ट बी इक्वल टू V2 R2, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ स्पीड बड़ा करेंगे, डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, स्पीड छोटा कर लेंगे, नोट करिए। आता है इसका क्वेश्चन, नीट में भी आता है क्वेश्चन छोटा छोटा रिजल्ट। सो न्यूमेरिकल भी रहता है आप क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, सेम ये सेम चीज है, मैं पूछ रहा हूँ। यह है R1, यह R2 है, सेम प्लैनेट है और ये सेम प्लैनेट सेम है और यहां मूव कर रहा है, यहां पे बड़ा स्पीड ज्यादा रखना है और यहां स्पीड थोड़ा कम रखना है, हो गया। नो नेक्स्ट, यहां डाटा लिखा रहता है, मान लीजिए R1 लिखा हुआ है 1 × 10³ किलोमीटर, R2 लिखा हुआ 4 × 10³ किलोमीटर, सो स्पीड V1 कुछ भी ऐसा डाटा 200 मीटर पर सेकेंड, सो स्पीड V2 चाहिए, ऐसे इस तरह से सॉल्व करिए। सो नज़दीक वाला पॉइंट का कई बार स्टेटमेंट से लिखा रहता है, जैसे नज़दीक वाले पॉइंट पॉइंट को ऐसे बोलते हैं, जैसे नज़दीक ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द पेरिजी करके पॉइंट आता है, ये पॉइंट को पेरिजी, इसको बोलते हैं एपोजी, ऐसे
नियर पॉइंट जो रहेगा उसका नाम होता है ये पॉइंट जो है नजदीक वाला पॉइंट हो, इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पेरिजी, ये है पॉइंट एपोजी। और भी एक नाम रहता है क्वेश्चन में, और मैं देख रहा था नाम, और क्या नाम यूज कर रहे हैं नजदीक वाले पॉइंट के लिए, पेरिहेलियन ऐसे लिखा रहता है, पेरिहेलियन, और इसको एप हेलोन। सो कई बार स्टेटमेंट भी लिखा रहता है कि ये नजदीक पॉइंट द पेरिजी एपोजी, और इस पे हमें रेडियस डिस्टेंस लिखा रहेगा, आर टू लिखा रहेगा, और वी वन कोई भी एक दे देगा, वी वन लिखा रहेगा तो वी टू निकालना है। सो आप जानते हैं इसमें इसका मेथड, आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट में एम वी वन आर वन एम वी टू आर टू, एम कैंसिल कर लीजिए दोनों साइड, एम सेम ऑब्जेक्ट है सेम प्लैनेट है, सो वी वन आर वन मस्ट वी वी टू आर टू, सॉल्व करें आप वी वन 200। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड तो कट जाएगा ना आपका, इधर भी किलोमीटर इधर भी किलोमीटर, सो 10 पे पावर 3 इधर भी किलोमीटर हुआ, वी टू 4 इंटू 10 पे पावर 3 ये भी किलोमीटर में कैंसिल हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो गए। काफी इजी इजी छोटे छोटे ही क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, कई बार तो ऐसे फिगर लिखा रहता है, ऐसे फिगर इस तरह कई क्वेश्चन में मैं देखाऊंगी ऐसे फिगर बना रहेगा, और यहां पे लिखा रहेगा सन, और ऐसे पॉइंट बना रहेगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ऐसे लिखा हुआ ए बी सी डी, और कोई प्लैनेट है एनी प्लैनेट कोई भी आप लिख लेंगे यहां पे प्लैनेट पी कर लें प्लैनेट, और रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, कई एग्जाम ऐसे फिगर बस फिगर बना रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट, बताएंगे आप बोलिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट किस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम है, पॉइंट ए बी सी डी मैक्सिमम स्पीड पॉइंट ए पे, अगर ये नजदीक है यहां से नजदीक हुआ, आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा था कि वी प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, सो सन से जितना क्लोज रहे उतना हाई स्पीड रहेगा, सो सिंपल मैक्सिमम स्पीड। और प्लैनेट सो एट पॉइंट, तो ऐसे करना है ए, ये ए पॉइंट, यहां पे डिस्टेंस कम है, अगर यहां डिस्टेंस सबसे कम है मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम होगा, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड मिनिमम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैक्सिमम स्पीड की जगह पूछा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट, एट पॉइंट सेम पॉइंट ए ही रहेगा, तो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां, ए पॉइंट पे, स्पीड मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, या कई बार ऐसे पूछता है देखते हैं पेपर में ऐसे लिखा रहेगा मैक्सिमम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
भी ये रोटेशन है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, प्लैनेट रोटेट कर रहा है, फिर भी आंसर एट पॉइंट ए, मैक्सिमम एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम है, स्पीड मैक्सिमम होगा तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, वो ओमेगा भी मैक्सिमम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पढ़े, लीनियर पढ़े या रोटेशनल पढ़े या स्पीड पढ़े, तीनों क्वेश्चन हाईएस्ट एट पॉइंट ए, और मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम एट पॉइंट बी। हम सिंपल नेक्स्ट, बहुत सारा क्वेश्चन आता है बट एकदम छोटा। सो टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, और उससे रिलेट करिएगा बहुत सारे क्वेश्चन। ये नीट का क्वेश्चन था, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, बहुत सारे मेडिकल में आता है। उसमें बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट ए बी सी, सो ऑर्डर अरेंज करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट बताइए, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे? ए, ए वन आपका, अगर डिस्टेंस कम है स्पीड सबसे ज्यादा, और ए। और सबसे लो काइनेटिक एनर्जी, सबसे लो किस पॉइंट पे आपका? बी। जानते हैं आप, अगर आपका डिस्टेंस, प्लैनेट का डिस्टेंस सन से मैक्सिमम है तो वहां पे स्पीड मिनिमम हुआ, और ये है बीच में ही आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी से। तो डायरेक्ट से देखेंगे आप तुरंत बना लेंगे, नोट करिए। और मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि और क्या क्या इसमें आया हुआ है। सो नेक्स्ट, एक तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में यूज होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स में हम लोग यूज करते हैं, मेडिकल क्वेश्चन है, अब वाले रिजल्ट बस आपको जानना है। सो आप सोलर सिस्टम में अगर आप ऐसे बना रहे हैं, यहां पे सन है, और ये यहां से डिस्टेंस आर वन, और ये डिस्टेंस है आर टू, ऐसे। सो हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस था आर, ये ऐसा। सो एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट ऐसा रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो दो डिस्टेंस लिखा हुआ आपका, ऐसा। सो सन से इसमें एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं एक बार फिर से, क्या क्वेश्चन था? नीट का क्वेश्चन है, हाँ, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ के लिए है। सो लार्जेस्ट डिस्टेंस आर वन और आर टू लिखा हुआ, और ये डिस्टेंस चाहिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला आर डिस्टेंस। ये आप मैथमेटिक्स का रिजल्ट होता है, ये मैथ जब आप पढ़ते हैं इलिप्स का प्रॉपर्टी में। सो टू बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन और प्लस वन बाई आर टू होता है। आया हुआ पीएमडी क्वेश्चन है बट है एक मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है टू आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ये हो। और तो हो गया है क्वेश्चन, एक दो रिजल्ट, थ्योरेटिकल रिजल्ट मैं देख रहा था इसमें कि
काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन चाहिए था। सो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन था, एनी प्लैनेट या इवन अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें लिखा हुआ के, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट। के जो है काइनेटिक एनर्जी, प्लैनेट का काइनेटिक एनर्जी के। और हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे, जैसा आपका ये डिस्टेंस आर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे एल चाहिए, एल एंगुलर मोमेंटम। थ्योरेटिकल रिजल्ट है, थ्योरी आपका ऑप्शन में लिखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी है तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए। सो प्लैनेटरी मोशन के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, सो उसको रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, वो एकदम आसान है, तुरंत बन जाएगा। आप बताएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते हैं, हाफ और एम वी स्क्वायर हो गया। नाउ इसमें रिप्लेस करेंगे आप हाफ, सो एम स्क्वायर कर लें, वी स्क्वायर कर लें, अपने मन से यहाँ पे नीचे में एम मल्टीप्लाई कर लें। जैसे एम मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे में एम हो गया, ऊपर में आप कर लेंगे आर स्क्वायर और नीचे में हो गया आर स्क्वायर। नाउ नीचे के टर्म को इधर कर लेंगे, टू के एम आर स्क्वायर, और इधर आप देखेंगे एम वी आर स्क्वायर होगी। एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। सो रूट आप लेंगे तो अंडर रूट टू के एम आर स्क्वायर। नाउ इधर हो गया एम वी आर, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम देखिए आगे। तो ये तो छोटा है, सब फॉर्मूला बनाना आप खुद कर सकते हैं। हो गया, और भी फॉर्मूला है, छोटे छोटे फॉर्मूला बनाने के लिए पूछा गया। नेक्स्ट 11, मान लीजिए इसका मास है m नॉट और इसका मास है सन, सन का मास m लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे m और m नॉट लिखा हुआ। सो मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम, बस इतना ही, इन्हीं तीनों टर्म के निकालना है, m, m नॉट, r, ये बने, इन तीनों टर्म को रिलेट करिए और एंगुलर मोमेंटम बनेगी। इलिप्टिकल पाथ, इसको मिटा रहा हूं मैं, सो मुझे बनाना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, प्लैनेट देखिए एकदम छोटा सा। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट चाहिए तो वो लिखना चाहिए मुझे एम नॉट और वी और आर, ठीक है। चलिए मेरे पास जो m नॉट तो है, m नॉट गिवेन है, r भी गिवेन है, अच्छा v जो है, v जो आप स्पीड पढ़ते हैं वो एक्चुअली ऑर्बिटल स्पीड है, और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल स्पीड आप पढ़े हुए हैं होता है अंडर रूट g और m और बाई r होता है, ये m ये वाला हो गया। ऑर्बिटल स्पीड नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, आप ऑर्बिटल स्पीड पढ़ चुके हैं, ये होता है जी मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ सन, यहाँ सन है सेंटर पे तो मास ऑफ सन डिस्टेंस आर पुट कर लेंगे, ये आपका एम नॉट आर अंडर रूट जी एम बाई आर, इसको उत्तर कर लेंगे। सो ये आर स्क्वायर होता तो अंडर रूट जी हुआ एम, और ये आर स्क्वायर होगा, आर कट जाएगा, आर एम नॉट का स्क्वायर। ओके,
तो ये था आपका रिजल्ट बनाना, और एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे है आपका। बहुत सारे क्वेश्चन है बट एक एक लाइन के क्वेश्चन है। मान लिया ऐसे दे दिया, यहां लिखा हुआ अर्थ, यहां पे कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसा रिवॉल्व कर रहा है ऐसा, ये पॉइंट है। मान ली ये पॉइंट को लिखा हुआ ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। तो पूछा होता है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या चीज कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए बी सी डी लिखा हुआ है और यहां से इसका डिस्टेंस लिखा हुआ आर ए और ये डिस्टेंस लिखा हुआ आर बी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट बी पॉइंट पे कौन सा टर्म कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि विच इज प्लैनेटरी मोशन, कैपलर फर्स्ट लॉ, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। सो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर देना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए और एंगुलर मोमेंटम एट बी, इवन अ वेक्टर के साथ भी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना आपको। और थोड़ा इस पॉइंट से थोड़ा सा केयर करना है आपको, ध्यान रखना है कि 13 पॉइंट में कि मान लीजिए एनी अर्थ हो या कोई भी सोलर सिस्टम हो, मान लीजिए अर्थ और एक ऑर्बिट ये है और दूसरा ऑर्बिट ये है, ऐसा ऑर्बिट, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है और यहां पे चल रहा है ये वी वन है, यहां से इसका डिस्टेंस है आर वन, दूसरा सैटेलाइट है ये, सैटेलाइट का स्पीड है वी टू, ये है आर टू, डिस्टेंस है आर टू ऐसा। सो ये डिफरेंट ऑर्बिट है, ये टू डिफरेंट ऑर्बिट है। ये आप कहेंगे कि ऐसे आपको बात करना है कि टू डिफरेंट ऑर्बिट, ऑर्बिट अलग अलग ऑर्बिट है, ये अलग ऑर्बिट है, ये अलग ऑर्बिट है। सो इसका स्पीड जो रहेगा, आप जानते हैं कि इसका स्पीड प्रोपोर्शनल टू वन बाई अंडर रूट आर होता है ये, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल स्पीड कहलाता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में है, ये अलग ऑर्बिट में है, ये अलग ऑर्बिट में है, जिसका ऑर्बिटल स्पीड अगर आप पढ़ेंगे तो अंडर रूट जी और एम और डिवाइड बाई आर, जहां मास ये है, ये ऐसा होता है। तो ये है ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो है वन बाई अंडर रूट आर। बट अगर सैटेलाइट सेम ऑर्बिट में रहेगा, थोड़ा सा भाई देखना होता है कि ये रिजल्ट अलग है और अभी मैं यहां बताऊंगा वो अलग रिजल्ट है। ये देखिए आप, ये रिजल्ट अलग है, ऐसे सोचे ये टू डिफरेंट ऑर्बिट है और ये हम लोग बात कर रहे हैं वन ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में, और एक ऑर्बिट में मान लीजिए एक सैटेलाइट ऐसे है, ये है स्पीड वी वन, डिस्टेंस है आर वन, और ये अनदर सैटेलाइट है, इसका स्पीड वी टू है, और ये है आर टू ऐसे।
दूसरा ऑर्बिट अगर आप, इसमें दो अलग अलग ऑर्बिट है, दो अलग ऑर्बिट में रहेगा तो ऑर्बिटल स्पीड यहाँ होता है और यहाँ स्पीड जो होगा 1/√r। बट अगर सेम ऑर्बिट है, दो सेटेलाइट हैं, अलग अलग सेटेलाइट हैं और सेम ऑर्बिट है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है अलग होता है। यहाँ आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब हुआ m और v r इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका स्पीड जो होगा ना 1/r होता है। तो ये इन दोनों डाटा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये 1/r लिख रहे हैं, ये 1/√r, ये अलग रिजल्ट है। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं कि ये टू डिफरेंट ऑर्बिट, ये अलग ऑर्बिट है, ये अलग ऑर्बिट है, तो उस केस में 1/√r लगाना है और सेम ऑर्बिट में रहेगा। अगर कोई सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में है, दो दो सैटेलाइट है, तो वहां तो कैपलर लॉ लगेगा। कैपलर लॉ में ये आपका फर्स्ट लॉ कि ये अर्थ है, इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब एम वी आर और स्पीड 1/r हो गए। तो कितने पॉइंट हो गए? 13। एक पॉइंट और मैं देखता हूँ, एक पॉइंट और, क्योंकि उसी पॉइंट के हेल्प से हम लोग नेक्स्ट जो कैपलर सेकेंड लॉ है वो एक्सप्लेन करेंगे। एक पॉइंट और देखता हूँ, तो नेक्स्ट एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूं, 14 पॉइंट। एक टर्म है एरियल वेलोसिटी, बहुत कॉमन टर्म है कैपलर लॉ के लिए, और इसी के हेल्प से हम लोग कैपलर का सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करेंगे। सो 14 पॉइंट वो इसी से बनाना है आपको, फर्स्ट लॉ से ही आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए आपका एकदम छोटा सा है, ये आप सन यहां पे लिख लेंगे, कोई प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है, मान ली यहां पे कोई भी प्लैनेट है ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, एक प्लैनेट बना लेंगे आप। यहां से सन जो फोकस पे बैठे हो वहां से आप डिस्टेंस ले लेंगे, और प्लैनेट का स्पीड यहां लिखा रहेगा कि ऐसे स्पीड वी, स्पीड वी। सो स्पीड आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू ds/dt, जो 1D मोशन काइनेमेटिक स्टार्टिंग में जो आप पढ़ते हैं। सो आप बोलते हैं वी, वी द स्पीड। सो स्पीड का मीनिंग हुआ ds/dt। ओके, यहां से आप ds बना लें, अलग कर लेंगे, ds इज इक्वल टू v into dt। ठीक है, और ds को यहां पे दिखाएंगे, देखिए ऐसे, ये सन है और ऐसे आप बना देंगे, ये है डिस्टेंस r, और छोटा सा हल्का सा छोटा सा ऐसे एकदम हल्का सा जो डिस्प्लेसमेंट है ds कर देंगे, और ऐसे थोड़ा कवर कर लेंगे इसको, ऐसे इस तरह से आप थोड़ा सा कलर कर दें, ये ऐसे कलर कर दें, क्योंकि प्लैनेट जस्ट चलना स्टार्ट किया था, वहां से पॉइंट जो है, इस पॉइंट से प्लैनेट जस्ट रिवॉल्व करना शुरू किया विथ स्पीड वी आर लिखा रहेगा, और थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेसमेंट ds कर करके, और इस जोन को थोड़ा आप कलर कर दें, कलर कर दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ये कलर कर दीजिए। यहाँ आपको पढ़ना ना एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी बहुत कॉमन है, बड़ा आसान है, IT में भी पूछ चुका है, इस बार भी IT मेन में पूछा हुआ था, बहुत कॉमन रिजल्ट है, फर्स्ट लॉ से ही रिजल्ट आता है। तो आप प्लैनेट ले लेंगे, यहाँ पे एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट ऐसा रिवॉल्व किया, और जस्ट डिस्टेंस r है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds के लिए। अब आप बताएंगे यहाँ पे, अब उस जो छोटा सा सेक्शन देख रहे हैं उसको आप ऐसे मान लें, इस तरह से कर लें, ये है r, और इसको आप कर लेंगे ds,
और इसको आप कलर कर देंगे। ये जो सेक्शन आप कलर कर दे रहे हैं इसको, अब उसमें एरिया, इस सेक्शन का एरिया ऐसे डी ए, सो एरिया। अब ये फिगर को आप थोड़ा सा इमेजिन करें ना ट्रायंगल की तरह, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हुआ और आप एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस और हाइट, सो इसका छोटा सा एरिया डी ए, छोटा सा एरिया वो ट्रायंगल की तरह इमेजिन करें, हाफ बेस और हाइट, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ डी एस आप निकाल चुके हैं, डी एस का मतलब होता है वी इंटू डी टी, आप देखेंगे आप हाफ आर डी एस, डी एस की जगह आपको पुट करना है वी डी टी, वी हो गया और डी टी हो गया। इस डी टी को इसके नीचे कर लेंगे, सो डी ए बाई डी टी कर लेंगे, इज इक्वल टू हाफ आर इंटू वेलोसिटी। देखिए इसी टर्म को ना हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल एरिया, एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया कवर, जो एरिया जो छोटा सा एरिया ये कवर किया, एरिया पूरा कवर करके पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये है एरियल वेलोसिटी। और अभी अभी और अच्छे से लिखेंगे, देखिए सो डी ए बाई डी टी एरिया पर यूनिट टाइम, और आप लिखेंगे इसको, इसको ऐसे चेंज करेंगे हाफ, यहाँ अपने मन से m से मल्टीप्लाई कर दें, v रखें, r रखें और डिवाइड भी कर दें, m से डिवाइड भी कर दें, और ये एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम था, और एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो आप नोट करेंगे, सो डी ए बाई डी टी, ये डी ए बाई डी टी कुछ किसी भी प्लैनेट के लिए, सो ये हुआ एल और डिवाइड बाई टू एम। सो डी बाई डी टी को हम लोग साइंस में एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी वो हो गया एल डिवाइड बाई टू एम। सो एरिया कवर पर यूनिट टाइम, देखिए ये डी ए, डी ए जो एरिया कवर किया पर यूनिट टाइम, तो ये एरियल वेलोसिटी जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों टर्म कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट ही है और मास ऑफ प्लैनेट वो भी कांस्टेंट रहेगा, सो ये कांस्टेंट टर्म। ये इस पर आया था आर्टिमेन में आया था कि एरियल वेलोसिटी बनाएंगे एरियल, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर जगह पढ़ना है कैपिटल लॉ में, सेकंड लॉ के लिए या फर्स्ट लॉ के लिए, एरियल वेलोसिटी कैसे बनाना है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो एल भी कांस्टेंट है और टू एम भी कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी। सो पूछता भी है लोग, ऐसा पूछता है, जैसे एक तो क्वेश्चन भी आया था कि ये सन है और ये प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रहा है ऐसा, ऐसे। सो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है इसके, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि अर्थ मूव अराउंड द सन, नाउ विच रिमेन कांस्टेंट, मान लीजिए ये अर्थ ही लिखा हो, सो विच रिमेन कांस्टेंट, सो ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे लिखा हो, ए बी सी और डी विच रिमेन कॉन्स्टेंट वेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सो एंगुलर वेलोसिटी नंबर वन, क्या एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या कॉन्स्टेंट है, नहीं, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी वेरी करते रहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी, गलत, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हर पॉइंट पे स्पीड वेरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है।
पोटेंशियल एनर्जी, नहीं भाई पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ेंगे तो माइनस जी एम और मास ऑफ अर्थ और डिवाइड बाय यहां आर होता है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आर तो वेरी करेगा, मान लीजिए मास ये कांस्टेंट है, इसका मास कांस्टेंट है, बट आर तो हर पॉइंट पे वेरी करेगा, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। और लास्ट में लिखा हुआ है कि एरियल वेलोसिटी, तो आंसर हुआ हाँ ये कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बाय 2m, तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, प्लैनेटरी मोशन के लिए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और मास तो अर्थ का फिक्स है, तो ये था आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम रहता तो भी वो भी करेक्ट होता। तो केपलर फर्स्ट लॉ यही था, अब मैं केपलर का सेकंड लॉ लिखते रहा हूं एंड देन एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये केपलर सेकंड लॉ है और ये बेस्ट है फर्स्ट लॉ के ही कॉन्सेप्ट पे। सो जैसे फर्स्ट लॉ आपने बनाया था कि एरियल वेलोसिटी L बाई 2m, ये डायरेक्ट आईटी में आया हुआ, आईटी मेन का क्वेश्चन है आपका, dA by dt L by 2m और dA by dt वो राइट साइड का सारा टर्म कांस्टेंट है और उसी को बस लिखा हुआ है, द एरिया स्विफ्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट। द एरिया जो स्विफ्ट है और बाय पर यूनिट टाइम, जो एरिया कवर हुआ बाय पर यूनिट टाइम इज अ कांस्टेंट। सो ये फिगर वही बना सकते हैं, उसी फिगर को ऐसे बना कर दिखा सकते हैं कि ये सन है, ये सन और कोई प्लैनेट ऐसे चल रहा है, ये प्लैनेट थोड़ा सा ऐसे एरिया कवर किया, ये डी ए एरिया हुआ, और ये टाइमिंग लगा डी टी, यहां से यहां जाने में टाइम लगा डी टी, तो डी ए बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट। ये है कैपलर का सेकेंड लॉ जो बेस्ट है फर्स्ट लॉ के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट लॉ में मैंने एरियल वेलोसिटी डिराइव कर दिया है। सो इसी को जो आप लिखा हुआ है कि डी ए बाई डी टी कांस्टेंट, तो इसी को आपको लिखना है द एरिया स्विफ्ट बाई लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट। सो ये है लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, ये एरिया जो कवर कर रहे हैं यहाँ पे सन और प्लैनेट, सो लाइन ज्वाइनिंग जो सन और प्लैनेट का लाइन ज्वाइनिंग जो एरिया स्विप आउट जो कवर किया पर यूनिट टाइम, देखिए कवर एरिया पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, ये केपलर का सेकंड लॉ होगा। आप इसको ऐसे फिगर से भी बना सकते हैं, इस पे भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ तो मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे आप यहां लिख सकते हैं सन और ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए कोई प्लैनेट है और इतना एरिया कवर कर रहा, ऐसे एरिया कवर किया और सेम प्लैनेट ऐसे गया और इतना एरिया कवर किया। सो अगर यहां से यहां जाने का टाइम सेम है, अगर मान लीजिए कि यहां से यहां जाने का टाइमिंग टी है और यहां से यहां भी जाने का प्लैनेट को जाने का टाइमिंग टी है, अगर टाइमिंग सेम है तो एरिया सोर्स सेम होगा, ये एरिया ये वाला एरिया और ये एरिया सोर्स सेम होगा। टाइमिंग अगर सेम कर दीजिए, यहां से यहां मूव करने का टाइम सेम रखिए, सो जो टाइम ऐसे सेम रखेंगे तो एग्जैक्टली एरिया ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया सेम रहेगा, क्योंकि एरिया बाय टाइम जो एरिया कवर हो रहा है बट पर यूनिट टाइम वो कॉन्स्टेंट है। तो ऐसे भी इस तरह आप ड्रॉइंग कर लें या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये ए और टी या ए टी, या अगर दो अलग अलग टाइम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए वन बाय टी वन, ए टू बाय टी टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ए वन ए टू लिखना हो, ए वन टी वन, ए टू लिखना हो, टी टू लिखना हो, कर सकते हैं। तो एरिया जो कवर हुआ, जो आप कवर किया एरिया बाय टाइम,
यहाँ एरिया कवर किया बाय टाइम हमेशा सेम रहेगा। ये था सेकेंड लॉ। क्वेश्चन जो पीएमटी का है वो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लास्ट में मैं प्रेजेंट कर दूंगा सारा क्वेश्चन, मैं इसके बाद जैसे थर्ड लॉ हो जाता है एक स्लाइड बना के मैं प्रेजेंट कर दूंगा। फिगर लिखा हो, जैसे क्वेश्चन है तो फिगर लिखा हो, इसमें फिगर बना हुआ है। सो इलिप्टिकल पाथ है, ऐसे फिगर है आपका और यहां सन है, यहां से ऐसे आपको चलना है और ये ए बी एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी बनाया हुआ है यहां पे, मास एम है, स्पीड वी है, ऐसे सो ऐसे लिखा हुआ सी और डी। ये पूरा कलर किया हुआ है ऐसे और ये भी कलर किया हुआ है। ऐसे कलर किया हुआ इस तरह से सिस्टम। सो लिखा हुआ कि ट्वाइस द एरिया, ये एरिया अगर ए है, एरिया ए लिखा हुआ, इसका एरिया लिखा हुआ टू ए एरिया, लिखा है फिगर भी लिखा हुआ और पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ। सो टी वन टाइम टेकन टू प्लैनेट फ्रॉम सी टू डी, और सी टू डी आने में, सी टू डी आने में टाइम लगा प्लैनेट को टी वन, और ए टू बी जाने में टाइम जो लगा प्लैनेट को वो टाइम लगा टी टू। सो रिलेशन चाहिए टी वन बाई टी टू चाहिए। सो ये नीट का क्वेश्चन है, ड्राइंग लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बना हुआ है, कितना आसान है अगर आप केपलर सेकंड लॉ लगाएंगे तो। देखिए यहाँ पे एरिया पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होता है, सो आप ये एरिया बनाएंगे ए और बाय टाइम, टाइम यहाँ पे टी टू है, और इधर राइट साइड का एरिया बनाएंगे टू ए और टाइम है यहाँ पे टी वन है। नाउ सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो टी वन बाय टी टू, ए ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू टू। हो गया रिजल्ट। और एक क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, थोड़ा टफ है। क्वेश्चन क्या है मैं स्टेटमेंट से बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है द इलिप्स है आपका सन, ये लिखा हुआ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी लिखा हुआ लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये सन है और एस, ठीक है। मुझे यहां से यहां तक कवर करना है और कोई प्लैनेट ऐसे चल रहा है और यहां से यहां तक चलने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, ये टाइमिंग चाहिए था। सो इस पॉइंट से हमें यहां तक कवर करना है और इस एरिया कवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए। क्या क्या लिखा हुआ है पेपर में, मैथमेटिक्स टाइप क्वेश्चन है। ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ए जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लिखा हुआ आपका, बी ये दिया हुआ लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये सिर्फ मैथ स्टूडेंट के लिए, जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जो आईटी मेन या एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये आसान था, ये नीट के लिए था, ये एक क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के लिए।
सो ए हो गया, बी हो गया, इसेंट्रिसिटी लिखा हुआ, इसेंट्रिसिटी एलिप्स में यूज होता है, एलिप्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। सो और टी टाइम पीरियड लिखा हुआ, छोटा वाला टी चाहिए था, ये टी चाहिए ऐसे। कुछ आप नाम लिखना चाहें तो इसको आप कर लें, आप पी और क्यू ऐसे, पी और क्यू लिखना होता है ऐसे लिख सकते हैं, ये सेंटर है। सो टाइम पीरियड जो है फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक जाने के लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए, कोई प्लैनेट है उसको पी से क्यू तक जाना। आप कैपलर सेकेंड लॉ, पहले आप कैपलर का सेकेंड लॉ समझिए। सो कैपलर सेकेंड लॉ देखिए, अगर पूरा ऐसे पढ़ेंगे, पूरा ऐसे पढ़ना, ऐसे पूरा पूरा ऐसे कवर करने के लिए लिखा हुआ, क्योंकि पूरा ऐसे कवर करने के लिए पेपर में लिखा हुआ कि हमारे पास जो पूरा कवर करने के लिए टाइम लिखा हुआ वो टी है, और हमको पूरा नहीं कवर करना, अगर हमको सिर्फ यहां तक कवर करना ऐसे, सिर्फ इतना कवर करना ऐसे, तो यहां से यहां कवर करने के लिए जो टाइम होगा वो छोटा वाला टी, छोटा टी। सो कैपलर का लॉ क्या था, कि ये लॉ था कि मान लीजिए ये एरिया है, ये पूरा एरिया हुआ और डिवाइड बाय टोटल टाइम हुआ, और एरिया हम लोग यहाँ बात करेंगे कि यहाँ एरिया पी एस क्यू, ये पी है और ये सॉरी मिस्टेक है, तो ये एरिया कवर करना है। सो पी और एस क्यू और डिवाइड बाय टाइम टी लिखेंगे ऐसे, कैपलर का और सेकेंड लॉ, एरिया बाय टाइम, एरिया बाय टाइम। एलिप्स का एरिया आपको पता होना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट जो लोग हैं उनको पता रहना चाहिए, ये ए है और बी है, और एलिप्स का जो पूरा एलिप्स है उसका एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी और डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब मुझे ये एरिया किसी तरह निकालना है कि पी एस क्यू और डिवाइड बाय टाइम स्मॉल टी। अब इस साइड लेफ्ट कर लेंगे, टाइम जो चाहिए स्मॉल टी जो निकालना है, कैपिटल टी डिवाइड बाय पाई ए बी, स्मॉल टी इज कैपिटल टी बाय पाई ए बी, और यहां पे कर लेंगे एरिया अब पी एस क्यू। तो क्योंकि ये टी दिया हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, बस हमको निकालना है एरिया, ये एरिया पी एस और क्यू, पी एस क्यू का एरिया, पी एस और क्यू ये एरिया निकालना है। अब लगाएंगे आप ज्योमेट्री यूज करें और यूज करके बनाइए एरिया, बन जाएगा आसान सा आपका, बस वो एरिया निकालिएगा हो जाएगा। आई मैथ मैथ बताइए, ये है ए, मैथ के स्टूडेंट जो लोग मैथ के स्टूडेंट हैं वो आप बताते चलेंगे यहाँ पे, बोलिए अभी अगर मैं सिर्फ इस एरिया के बारे में बात करूं, ये पूरा एरिया, इस एरिया के बारे में बात करूं, तो ये एरिया जो होगा आप जानते हैं कि ये एरिया कितना होगा, तो ये पाई ए बी बाय फोर, पाई ए बी पूरा एरिया, पूरा एरिया, बट इसका वन क्वार्टर एरिया लेना है आपको, तो ये एरिया हो जाएगा पाई ए बी बाय फोर। ठीक, रुकिए नेक्स्ट फिर से समझेंगे आप। यह है एस, अब देखिए आपको, अगर ये ए है और सन बैठे हैं
फोकस पे, तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो ए ई होगा, ए इंटू द इसेंट्रिसिटी, और ये डिस्टेंस तो बी लिखा हुआ है। तो अब बताएंगे आप सिर्फ मुझे ये एरिया बताएंगे, ये एरिया चाहिए मुझे। तो ये एरिया आप जानते हैं कि ये एरिया जो हो जाएगा, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में हाफ और बेस और इनटू हाइट हो गया। अब फाइनली फाइनली लास्ट लाइन, अब आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। अब तो बन जाएगा, अब तो बन जाएगा। आप पूरा एरिया बताइए, ये पूरा एरिया आपको पता है, ये वन क्वार्टर एरिया पूरा ऐसे कलर जो मैंने किया है वो एरिया है पाई ए बी बाई फोर, ट्रायंगल है हाफ ए बी इंटू ई, इसमें से ये ट्रायंगल घटा दीजिए ये बच गया। तो एरिया ये जो था पी क्यू एस, तो ये जो एरिया आपको निकालना है, एरिया निकालना है, तो पाई ए बी बाई फोर माइनस हाफ ए बी इंटू ई हो गया एरिया, जाके एरिया वो पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट था कैपलर लॉ, इसलिए मैं यूज कर रहा था, और थोड़ा मैथ, प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, ये है सेमी मेजर एक्सिस, तो फोकस टू सेंटर का डिस्टेंस ए इंटू ई होता है। सो ये एरिया निकालिए और फाइनली ये मिल जाएगा। अब आप वहां पे सॉल्व कर लीजिए, अब आप यहां पे पुट कर लेंगे। सो ए इंटू बी पाई बाय फोर माइनस ई बाय टू, ए बी कैंसिल हो गया। सो जो टाइम आपको निकालना था वो टी बाई पाई, सो पाई बाय फोर माइनस ई बाई टू, ये था आंसर। कैपलर सेकेंड लॉ यही था, थर्ड लॉ है एकदम सिंपल सा है, नोट करेंगे, मैं थर्ड लॉ समझा देता हूँ आपको। सो लास्ट थर्ड थ्योरी कैपलर थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा उसके लिए, अगर इलिप्टिकल है तो स्क्वायर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ए क्यूब ए जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसी को स्टेटमेंट लिखना था। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हो गया, ये पहले पढ़ चुके हैं, आपको फिर से देखना हो आप अपने से डिराइव कर सकते हैं, पहले इसके ऊपर 10 से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत फेमस लॉ है बट खूब पढ़े हुए, एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस क्वेश्चन। चलिए आप फिर से देख लें, मान लीजिए ये अर्थ, यहां कोई सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट स्पीड v, फोर्स को बैलेंस करते थे आप, और फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहां g m और m नॉट बाई आर स्क्वायर, और इधर फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहां पे m नॉट v स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स बैलेंस करना। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर, जस्ट जैसे इक्वेट करेंगे, इक्वेट करते ही ये ऑर्बिटल स्पीड आ गया, और आप पढ़े हुए हैं, इक्वेट करेंगे, सो ये है जी एम बाई आर। हो गया ऑर्बिटल स्पीड, ये ऑर्बिटल स्पीड हो गया।
अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो आप जानते हैं कि नौ सर्कुलर ऑर्बिट में टाइम पीरियड होता है 2πr/v, और जैसे आप पुट करेंगे यहाँ 2π और r और v रखेंगे, तो यहाँ हुआ r/gm। सॉल्व कर लेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट गया अंदर में r³ और डिवाइड बाय gm। देखिए पहले पढ़ा हुआ आपका, स्क्वायर कर लीजिए, यही तो कैपलर थर्ड लॉ आ जाएगा यहां से। जैसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करिए 4π² r³ और डिवाइड बाय जी हो गया स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू r³। देखिए ये कैपलर का थर्ड लॉ आ गया। सो पहले टाइम पीरियड पढ़ चुके हैं और वही रिजल्ट था कैपलर लॉ फाइनल। नेक्स्ट क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो डिस्कस कर दूंगा। सैटेलाइट 100% फाइनल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइनल, कैपलर लॉ फाइनल। मेडिकल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका 90% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है ग्रेविटेशन। बाकी नेक्स्ट क्लास न्यूटन लॉ डिस्कस करते हैं।